माफ कीजिएगा दादा साहब, क्या करें, पब्लिक का बहुत प्रेशर है। अरे बेटा मेरी जान, कुछ नहीं होगा, बताना इसको। लेकिन ये सबका टेलीकास्टर है। तो क्या है, पर इस देश में नेता का बेल होता है, जेल नहीं, सजाओ इसको। दादा साहब ठीक कर रहे हैं। बेटा कुछ नहीं होगा, बेटा रोना मत, लेकिन अपनी बिटिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बरसात होगा भी, बरसात पैसों का, पावर का, इतना खून का आंसू रुलाएंगे तुमको कि जिंदगी खत्म हो जाएगा। आंसू नहीं, वो 1% था, 1%। जब तू अपना जोरू के लिए बिल बिलाया था। अच्छा बाल! पैसा और पावर तो रावण के पास भी नहीं रहे, तू क्या चीज है? अरे इतना मारूंगा कि तेरी पावर धरी की धरी रह जाएगी और अपनी हड्डियां जुड़वाते कंगाल हो जाएगा। चलो सिंह साहब को हम इतना क्रोधित पहले कभी नहीं देखे थे। उनके अंदर की आग अब बाहर निकल आई थी। बदला जिसे वो हर पल भुलाना चाहते थे, अंगारा बनके उनकी आंखों में दहक रहा था। हम डर रहे थे कि भूदेव की इस फूंक से कहीं वो बदलाव की ये लड़ाई हार ना जाए, क्योंकि अब ये लड़ाई टकराव में बदल चुकी थी। सिंह साहब सुबह शाम रात दिन भूदेव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग गए ताकि उसे बेल ना मिल सके। सिंह साहब अपना सब कुछ भुला चुके थे, उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी पत्नी की यादों में कुछ पल रह सके, अपनी बहन से भी बात कर सके। इसीलिए शायद उस दिन अचानक वीर जी किथे हो तुसी? आजा परम। अरे सिमर जी आप, हम शिखा, फोन पे बात हुई थी आपसे। ओ तो आप हैं शिखा जी। अब ये कहां से करना पड़ेगा ये देखो। इससे हमारा केस और स्ट्रांग हो जाएगा सर। कुटी तनु मैं क्या सी ना, जद भी होगा मैं आऊंगा तनु मिलन।
ओए, मैं तेनू की क्या सी? मैंने कहा था सिमर से। चल इनू वापस ले जा। ए, 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 कुछ गल समझती नहीं। हाँ हाँ, मैं ते कुछ भी नहीं समझती नवीर जी, मैं ते बिल्कुल भी नहीं समझती। मैं ते तब भी नहीं समझी सी जब आप जेल में थे और मुझे अपने से इतनी दूर भेज दिया था। मैं ते तब भी नहीं समझी जब गुल्लो वीर जी के हाथों मैं आपको राखियां भेज दी थी। 7 साल अपने इन हाथों से मैंने आपको राखी नहीं बांधी और मैं ते तब भी नहीं समझी जब जेल से बाहर निकल के आप एक दिन मेरे कोल नहीं रहे। ओए केड़े बदलाव दी लड़ाई है वीर जी, सारा रिश्ता ही बदल गया। और हुन की ज़्यादा और पुदेव ते गया ना जेल में। वीर जी तुसी मेरी एक गल सुन लो, मैं किधर नहीं जावांगी, मैं इत्थे ही रहवांगी, तोड़े नाल रहवांगी बस। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया च कोई नहीं, तेनू मैं खोना नहीं चाहता। वीर जी मैं तुहाडी भैन हाँ, मेरी तरफ कुसे ने अख भी चुकी ना ते टोटे टोटे कर देंगी ओदे, और तुसी छड़ोगे ओनू? अजब धांधली है सिंह साहब, भूदेव के गुंडों ने बिल्डिंग को पीछे से घेर लिए हैं और पुलिसवा के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। ललन पे ही फोकस रखो, वहां उस तरफ। नो वायलेंस, नो वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं करेगा। अरे हम गांधी जी के देश का आदमी हो। अरे क्या गांधी के देश के आदमी हो आप लोग? सब कानून तो तोड़ दिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भूदेव के लोग पीपुल्स पीठ के 500 मीटर तक अंदर नहीं आ सकते ऑफिस के, निकल जाओ। आ तो डंडा पड़वा दे, हथकड़ी लगवा दे। अरे सुल्तान, हम बोल रहा हूँ ना, हम कोर्ट का हेलना नहीं कर रहा हूँ, हम तो ई सिंह साहब को अपने भूदेव के समर्थकों के फिरोशियस से बचा रहा हूँ। सर फिरोशियसनेस नहीं, फ्यूरी, फ्यूरी। और तुम्हारी मीडिया के सामने हमारी पूरी, हम तो इन सब की फूरी से बचा रहा हूँ, नहीं तो जलाकर राख कर देंगे ये। ललन भैया ये जो सिंगोवा का नाटक करके लोगों को उल्लू बना रहा है, सब एक्सपोज हो चुका है। अब इसको 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ का मंडोला चाहिए। सुनिए आप लोगों ने, ये देखो मेडिकल रिपोर्ट का कॉपी दिखा, देख रहे हो? कुछ तो शराब में मिलाकर भूदेव जी को धोखे से पिला के उल्टा सीधा बुलवाए हैं उनसे। इसीलिए हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं सिंह साहब, हमारे खिलाफ केस वापस ले लीजिए, नहीं तो हम ललन सिंह यहाँ सबके सामने सेल्फ मोलेस्टेशन करेगा। सर मोलेस्टेशन नहीं, सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह। दोनों में जलता है ना। हाँ तो हम
हम सबके सामने आत्मदाह करेगा। ललन भैया महान है आप, हमारे साथ गोवर्धन भी आत्मदाह करेगा और हम दोनों के साथ इस सुल्तान कमांडो इतिरलोक और ये वो सब आत्मदाह करेंगे। आगे बढ़ो, ठहरो, तुम्हारे मिट्टी के तेल में भी मिलावट होगी। अरे आधे जलोगे तड़पते रह जाओगे। ओ मुरली जी, आपने मस्ती पे पड़े ना पेट्रोल के, जा लेके आ, लेके आ, ये लो जी, लो जी, लेके ही आ गया। जलते ही राख बन जाओगे, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 1000 गुंडों को लेकर जाओ और सिंगवा को इतना तोड़ो कि उसका जीवन खत्म हो जाए, लेकिन आंसू नहीं। अरे भैया जी, हम करने तो हुई गए थे, पर का करें, एंड टाइम पे पुलिस आ गया। अब देखो, हम तो अपनी तरफ से स्मार्ट गेम खेल रहे थे। स्मार्ट नहीं, स्मार्ट। चुप सलाका। अबे सुन, जब बाजी पलटी गया है तो एक काम कर, उस सिंगवा पेट्रोल डाला है, दिल्ली दिखाया है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ और तुरंत उसको जेल भेजो। ससुरे पर पूरा जेल का कैदी छोड़ देंगे। अरे नहीं भैया जी, आप नहीं जानते, बहुत ही स्मार्ट हूँ। पूरा पुलिस और मीडिया को अपनी तरफ खींच लिए हैं। अभी आप टीवी देखिए ना, बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे। भूदेव सिंह के समर्थकों ने कोर्ट की अवेला की और सिंह साहब के घर पे उनके खिलाफ मोर्चा निकाला। पेट्रोल से जलाने की कोशिश की गई है। पेट्रोल की आग और जनता का गुस्सा साथ में भड़क उठा है। पुलिस ने इस हादसे को रोकने की कोशिश की, गुंडे एक नहीं माने। आखिरकार जनता और पुलिस ने साथ में मिलकर गुंडों की जम के पिटाई की। ए पतुरिया, क्या बोल रही है? अरे दिया फोन लगा इसको। वो तो हम पहले ही लगा दिए हैं। लड़की रिपोर्टिंग बहुत बढ़िया करती है। अबे चुप। ए पतुरिया, ये का छोटा रिपोर्टिंग कर रही है? हाँ भूदेव सिंह जी, जब आप पुलिस और प्रेस मैनेज कर सकते हो और आपके झूठ को सच साबित करने के लिए गलत रिपोर्टिंग होती रहती है, तो क्या सच्चे आदमी के लिए हम झूठी रिपोर्टिंग एक बार भी नहीं कर सकते? आप ही ने तो कहा था ना, वक्त बदल चुका है। 100 सुनार की एक लोहार की। अपने क्रोध को काबू में रखिए दाता साहब, वक्त आने पर इस्तेमाल कीजिए। लोहार का तो एक भूदेव सिंह का। जी जी, हम आज शाम को वापस आए। वीर जी ने बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया है, सभी लोग वहीं गए हैं। हाँ, अश्विनी भी वीर जी के साथ वहीं गए हैं। हाँ हाँ,
मरेगा, तू मरेगा, मेरा प्रा तुझे नहीं छोड़ेगा। औरतों और बच्चों पर ऐसा जुल्म ढाया है तुम लोगों ने, अब सफाई के लिए कलम नहीं बंदूक उठानी पड़ेगी हम पत्रकारों को। सिमर, बच्चे को लेकर भाग जाओ। खबरदार, कोई नहीं लेगा। सिमर तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चल बरम, उस कमरे में, सबके सब उस कमरे में। अरे अरे चलो अरे चलो। बोल रही है तुम, मांगा करो ना, चलो अंदर अंदर चलो। हाँ 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 मैडम, बंद कर लीजिए, लगा लीजिए।